नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर यमी बाइट पर। आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी तंदूरी चटनी भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए 100 ग्राम पुदीना, 200 ग्राम धनिया, 4 से 5 बड़ी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 5 से 7 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच व्हाइट पेपर और 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, काला नमक और सफेद नमक स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं, और 1/2 किलो दही आपको इस चटनी को बनाने के लिए आपको आवश्यकता है। लीजिए शुरू करते हैं चटनी बनाना। चटनी बनाने के लिए हमें एक मिक्सी जार की आवश्यकता है। एक मिक्सी जार लीजिए, उसमें 100 ग्राम पुदीना और 200 ग्राम धनिया डालिए। मैंने यहाँ पे धनिया पुदीना थोड़ा कम लिया है, बट याद रहे जितना आप पुदीना ले रहे हैं उससे डबल आपको धनिया लेना है। 4 से 5 कलियां इसमें लहसुन की, 2 इंच कटा हुआ अदरक, 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 भुना हुआ जीरा डाल के इसे पीसेंगे, अच्छे से पीसेंगे। याद रहे चटनी पीसने से पहले इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लीजिए, ताकि ठंडे पानी से इस चटनी का रंग नहीं जाता, क्योंकि पीसते वक्त इसका रंग बरकरार रखने में सहायता देता है। आप चाहे तो आइस क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ठंडा पानी यूज़ किया है। लीजिए 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये आपका चटनी का मिक्सचर अच्छे से फिस जाएगा। बीच बीच इसमें इसे चेक करते जाइए, जैसे ही हमारा चटनी का मिक्सचर एकदम बारीक फिस जाए आप इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। देखिए हमारा चटनी का मिक्सचर कितना अच्छे से पिसा है, अब इसे एक बाउल में हम निकाल रहे हैं। अब एक बाउल लीजिए जिसमें हमने 250 ग्राम दही लेना है, 250 ग्राम दही में 2 से 2.5 चम्मच ये चटनी के डालेंगे, 1/2 इसमें मसाले मिक्स करने के। सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच व्हाइट पेपर, 1/2 चम्मच व्हाइट सॉल्ट और 1/2 चम्मच ही ब्लैक सॉल्ट, ये सभी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने यहाँ एक बीटर का प्रयोग किया है ताकि हमारे दही में कोई लम्स ना रह जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और लीजिए इसी के साथ हमारी चटनी बनके तैयार है। इसे आप अपने तंदूरी स्नैक्स वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। ये हमारी तंदूरी चटनी, मिंट चटनी, दही वाली मिंट चटनी आपकी बनके तैयार। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।